देश की सबसे बड़ी भोजनशाला शुरू होने के बाद महाकाल के भक्तों को मिल रहा अच्छी क्वालिटी का फ्री में भोजन। प्रतिदिन 1,000 से अधिक श्रद्धालु रोज आ रहे हैं खाना खाने। भोजनशाला का निर्माण महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से किया गया है और देश की सबसे बड़ी भोजनशाला में शामिल है। भोजन बनाने की सभी मशीन ऑटोमेटिक है। इतनी बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं का प्रतिदिन भोजन बनाने के लिए मानव श्रम भी कम लगे, इसका विशेष ध्यान रखा गया है। जब एक श्रद्धालु से भोजन करने के बाद में बात करी तो श्रद्धालु ने बोला, खाना बिल्कुल मुफ्त है, बहुत अच्छी क्वालिटी में है, शायद हम होटल जाते तो ऐसा खाना ना मिल पाता। सर अच्छा है, खाना भी अच्छा लगा हमें खाने में। हम दिल्ली से आए हैं, सभी फैमिली के साथ हैं, तो व्यवस्था बहुत अच्छा है, साफ स्वच्छ खाना है। और भोजन में हमें 2 वैरायटी मिला खाने, सब्जी का और खीर मिला, पूरी मिला। रसीद लेना पड़ा मंदिर परिसर से, और रसीद लेने के बाद विद फैमिली हम सब अंदर गए। खाने का व्यवस्था हमें अच्छा दिया गया, कुछ स्वच्छ है, सब एकदम अच्छा है। खाने की क्वालिटी की क्वालिटी नंबर वन है, खाना बहुत अच्छा है। मैं तो जो भी यही कहना चाहूँगा, जो भी शरणार्थी आए तो भोजन करके जरूर जाए। खाना बहुत ही अच्छा था और जब हम अंदर गए तो अंदर का व्यू भी बहुत अच्छा था और बहुत नीट एंड क्लीन, और खाने में बहुत खाने की वैरायटी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा खाना था, टेस्टी था। इवन खीर तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बहुत अच्छा है और बहुत मतलब बिल्कुल फ्री है खाना, और मतलब ठीक ठाक ही, मतलब यहाँ जैसे बाहर हम इतना महंगा खाना खाते हैं और यहाँ पे बिल्कुल फ्री। ऑफकोर्स हम 15-16 लोग थे। आपका नाम? व्यंजन में तो भाई 3-4 आइटम है, दाल चावल सब्जी रोटी वगैरह, और मीठा एक डब्बे था। कुछ लोग अपना बर्थडे मनाने के लिए शादी सालगिरह कुछ पुण्यतिथि के बारे कोई अपना कार्यक्रम यहाँ करवाते हैं तो कोई अन्न का दान करने आते हैं, वो भी यहाँ पर होता है। और जब से नया निषेध बनाया उसमें करीब बैठने के करीब 500 सीटें एक साथ हम बिठा सकते हैं एक हॉल में, ऊपर 500 भी 1,000 लोग एक साथ हम भोजन करवाते हैं। प्रतिदिन कितने लोगों की यहाँ पर भोजन? अभी थोड़ा बिल्डिंग का कुछ काम चल रहा है, कुछ मशीन हमारी और शिफ्ट होना बाकी है, इतना चालू है, लेकिन फिर भी उसमें हम 1,000-1,200 लोग डेली करवा रहे हैं। ये डेली हम 1,000 व्यक्तियों का भोजन बनाते हैं, तो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं, साथ ही दाल चावल सब्जी रोटी और एक मीठा भी देते हैं। साफ सफाई और सब्जी वगैरह धो के, दाल चावल धो के बनाते हैं मिठाई का, और डेली 1,000 आदमी जिम लेते हैं और ख़त्म होता है उसके बाद और बनाते, डबल शिफ्ट में भोजन बन जाता है। 25-30 लोग भोजन बनाने में है, बनाने में 2 टाइम शिफ्ट में। क्या खाना आप देते हैं? यहाँ दाल चावल सब्जी रोटी और एक मीठा भोजन।